वेलकम टू दिस वीडियो एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पीवाईक्यूज फॉर सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में कौन से क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली आज की क्लास में जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो आए हैं सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस जून 2023 शिफ्ट 1 के अंदर, यानी मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था जून 2023 का, उसमें भी जो यूनिट नंबर 6 है यानी प्लांट फिजियो, वहां से जितने भी क्वेश्चन आए हैं आइदर पार्ट बी में हो या फिर पार्ट सी में हो, सारे क्वेश्चन को हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगी। यदि आपको मेरे पीवाईक्यूज का पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप और भी वीडियोस को फॉलोअप कर सकते हैं, जैसे कि दिसंबर 2023 शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के लिए मैं प्लांट फिजियो को कवर करवा चुकी हूं, यानी कि ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगेन जो जून 2022 है ये भी सारे पेपर हमने डिस्कस कर लिए हैं, यानी इस पेपर का जो प्लांट फिजियो वाला पार्ट है वो हमने डिस्कस कर लिया है। ऐसे जून 2021 के भी हो गए हैं, जून 2020 के भी हो गए हैं, और जून 2019 एंड दिसंबर 2019 के भी हो गए हैं, और जून 2018 और दिसंबर 2018 के क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम कर लेंगे जून 2021 शिफ्ट 1 को, और नेक्स्ट क्लास में हम जून 2023 शिफ्ट 2 के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। सो इस वीडियो के बाद यहां से लगा करके यहां तक सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके होंगे, तो अगर आपने सारी क्लासेस देख ली हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखी है तो इसी चैनल पर आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे, वहां आपको प्लांट फिजियो पीवाईक्यूज डिस्कशन को सिलेक्ट करना है और वहां पर आपको ये सारे क्लासेस सीक्वेंस में मिल जाएंगी और आप जा करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को, यानी कि जून 2023 शिफ्ट 1 के क्वेश्चन फॉर प्लांट फिजियो। सो इस पेपर के अंदर पार्ट बी में आए हुए हैं 4 क्वेश्चन और पार्ट सी में आए हैं 6 क्वेश्चन। पहले बात करेंगे पार्ट बी के क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसकी आईडी है 40 और क्वेश्चन दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूट इनिशियल्स गिव राइज टू द रूट वस्कुलर सिस्टम इंक्लूडिंग द पेरिसाइकिल। अगर आपने जो प्लांट्स होते हैं उनके एनाटॉमी को पढ़ा है तो ये सारे टर्म्स आपको पता होंगी, नहीं अगर पढ़ा है नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। इस डायग्राम की हेल्प से हम सारी चीज़ों को कन्वे कर लेंगे। देखो यहाँ पर अगर आप किसी भी एक डाइकोट रूट की का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, सो डाइकोट रूट का अगर आप एक सेक्शन देखते हैं TS देखते हैं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, जिसमें ये सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, जो कि प्रोटेक्शन करती है। इसके बाद ये वाला पार्ट जो खाली दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बहुत सारे सेल होते हैं, इसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, जो कि सपोर्ट करने का काम करता है। जैसे आप इनवर्ड मूव करेंगे तो यहाँ आपको एक और लेयर दिखाई देगी जिसको बोलते हैं एंडोडर्मिस, इसके जस्ट अंदर होती है एक और लेयर जिसको बोलते हैं पेरिसाइकिल, और इसके अंदर होते हैं कंडक्टिंग टिश्यूज, जिसमें आएगा जाइलम जो कि वाटर को कंडक्ट करता है और आएगा फ्लोएम जो कि फूड को कंडक्ट करता है। सो ये सारे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी, सबसे बाहर एपिडर्मिस, देन आएगा कॉर्टेक्स, आफ्टर दैट एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल है, फिर जाइलम एंड फ्लोएम है, और जाइलम फ्लोएम को दोनों को मिलाकर के हम वस्कुलर टिश्यूज भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ऐसे स्टेम सेल का नाम बताओ जो कि एंडोडर्मिस एज वेल एज, नहीं, जो कि पेरिसाइकिल एज वेल एज वस्कुलर टिश्यूज को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इस डायग्राम में भी अगेन रूट के बारे में ही बताया है और यहाँ स्टेम सेल के बारे में बताया है। स्टेम सेल वो होते हैं जो लगातार डिवाइड करके सेल को एडअप करते रहते हैं। जैसे हमने कहा है कि डाइकोट की रूट में ये एपिडर्मिस है, लेकिन एपिडर्मिस के सेल भी कहीं से फॉर्म हुए होंगे, तो वो स्टेम सेल होते हैं जो लगातार डिवाइड करेंगे और एपिडर्मिस को बना देते हैं, तो उन्हीं स्टेम सेल को इनिशियल सेल भी बोलते हैं और इसी के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। सो देखो यहाँ आप देखेंगे तो ये वाला पार्ट जो है दिस वन, ये है क्यूसेंट सेंटर जो कि अगेन रूट में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट है। इसके बाद ये जो वर्लेट क्लब में दिए गए हैं दिस वन, दिस इज द स्टील इनिशियल्स, ये क्या है स्टील इनिशियल, यानी कि जो कि वस्कुलर टिश्यूज एज वेल एज पेरिसाइकिल को फॉर्म करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, यानी कि जो पार्ट होता है ना इसमें कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, पेरिसाइकिल है, इसको कंबाइनली हम स्टील भी बोल देते हैं। तो स्टील इनिशियल्स वो हैं जो कि पेरिसाइकिल और वस्कुलर टिश्यूज को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे क्या हैं, स्टील इनिशियल्स हैं, और ये वाला पार्ट है स्टील, यानी कि जो कंडक्टिंग टिश्यूज या फिर वस्कुलर टिश्यूज को फॉर्म करेगा, और ये वाला पार्ट यहाँ आप देख सकते हैं
ये वाला सारा स्टील का सिस्टम रहेगा। फिर यहाँ बात करें इस वाले पार्ट की, यानी कि दिस वन, इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस इनिशियल। जैसे कि नाम से इंडिकेशन है, ये कॉर्टेक्स को फॉर्म करने में हेल्प करेगा और एंडोडर्म जो होता है उसको फॉर्म करने में हेल्प करेगा। तो बेसिकली इनके लिए और इसके लिए आ जाएंगे स्टील इनिशियल्स, और कॉर्टेक्स और एंडोडर्म के लिए आ जाएगा कॉर्टेक्स एंडोडर्म इनिशियल सेल्स। इसके बाद ये जो रेड में दिया गया है ये है एपिडर्मिस इनिशियल्स। तो ये किसको फॉर्म करेगा? ऑफ कोर्स इसने एपिडर्मिस को फॉर्म किया होगा। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसने फॉर्म किया है सारा कंडक्टिंग टिश्यूज, ये वाला जो पार्ट है इसने फॉर्म किया है इधर यहाँ एंडोडर्म और यहाँ कॉर्टेक्स। इसके बाद ये वाला पार्ट फॉर्म करेगा एपिडर्मिस को, तो ये वाला पार्ट क्या है? यहाँ एपिडर्मिस है, ठीक है। इसके बाद ये एपिडर्मिस हो गई है, यहाँ ये वाला जो पार्ट है ये, इसको बोलते हैं लेटरल रूट कैप इनिशियल। रूट में रूट कैप भी होती है, तो लेटरल रूट कैप को फॉर्म करने के लिए ये वाले सेल होते हैं जिनको बोलते हैं लेटरल रूट कैप इनिशियल्स, जो कि यहाँ पर फॉर्म है। ये सारे क्या हैं? ये सारे रूट कैप के, लेटरल रूट कैप के इनिशियल्स हैं। ये वाले इनिशियल हैं और ये लेटरल रूट कैप है। इसके बाद यहाँ अगर आप देखेंगे ये वाले सेल को बोलते हैं कॉलुमुला इनिशियल्स, जो कि फॉर्म करता है कॉलुमुला, यानी कि जो रूट कैप के अंदर वाले सेल होते हैं उनको फॉर्म करता है, ठीक है जी। सो अगर अपने क्वेश्चन पर जाएं तो कॉलुमुला इनिशियल्स क्या फॉर्म करते हैं? कॉलुमुला, हमसे पूछा है वस्कुलर टिश्यूज एंड पेरिसाइकिल, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। एपिडर्मल लेटरल रूट कैप इनिशियल क्या बनाएगा? एपिडर्मिस बनाएगा और लेटरल रूट कैप बनाएगा, तो ये भी अपना आंसर नहीं है। कॉर्टिकल एंडोडर्मल इनिशियल क्या बनाएगा? ये कॉर्टेक्स बनाएगा और ये एंडोडर्म बनाएगा, तो ये भी अपना आंसर नहीं है। लास्ट में बचा है स्टील इनिशियल्स, ऑफकोर्स ये बनाएगा वस्कुलर टिश्यूज प्लस पेरिसाइकिल, तो हमारा आंसर हो जाएगा द फोर्थ ऑप्शन। सो बेहद ही आसान सा क्वेश्चन था, नाम से भी आप फाइंड आउट कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ID 41। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिराइव्ड मॉलिक्यूल्स इज वाइडली यूज एज एनल्जेसिक। एनल्जेसिक क्या होते हैं? ऐसे केमिकल, ऐसे कंपाउंड्स जो पेन को रिलीव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसको प्लांट से डिराइव किया जाता है और वो एक्ट करता है एज अ एनल्जेसिक की तरह, तो हमारा आंसर हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड। देखिए होता क्या है कि मानो मेरा बॉडी का कोई भी पार्ट है और यहाँ कोई भी चोट लग गई है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर होता है इन्फ्लेमेशन, यानी कि ये पार्ट सूज जाएगा, साथ साथ यहाँ पर दर्द भी होगा, पेन होगा और इन्फ्लेमेशन होगा। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए अगर पेन काफ़ी बढ़ जाता है तो हम एनल्जेसिक लेते हैं, ताकि वो पेन जो यहाँ हो रहा है उसको रोका जा सके। सो बेसिकली किसी भी पार्ट में अगर इन्फ्लेमेशन होता है, पेन होता है, तो एक प्रोटीन है जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन, जो कि इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि इस पार्ट में जो पेन हो रहा है वो प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से हो रहा है। सो बेसिकली होता क्या है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन जो प्रोटीन का नाम मैंने बताया है, इसको फॉर्म करने के लिए एक एंजाइम आता है जिसका नाम है साइक्लोऑक्सीजिनेज नाम है इस एंजाइम का। सो जो साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम होता है बेसिकली ये फॉर्म करता है प्रोस्टाग्लैंडिन को, ठीक है। अब हुआ क्या है कि यदि हम ये जो सैलिसिलिक एसिड है इसको इनटेक करते हैं, तो इनटेक करने के बाद ये जो साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम है इसके पास एक रेजिड्यू होता है जिसको बोलते हैं सेरीन। ये आकर के सेरीन से बाइंड कर जाता है और उसको एसिटाइलेट कर देता है, जिससे ये नॉन फंक्शनल हो जाता है और फिर ये नहीं बनेगा, तो यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन भी नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये है साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम जिसके पास एक रेजिड्यू है जिसका नाम है सेरीन। तो सैलिसिलिक एसिड या फिर जिस भी मेडिसिन में हमने इसको डाला हुआ है वो जैसे ही बॉडी में जाता है तो यहाँ सेरीन पर बाइंड हो करके इसको एसिटाइलेट कर देता है। जैसे ही यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप आता है तो ये हो जाएगा इनएक्टिव, और अगर ये इनएक्टिव हो गया है तो यहाँ जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये फॉर्म नहीं हो पाएगा, और अगेन अगर प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्म नहीं हुआ है तो हमें पेन भी फील नहीं होगा, नो पेन,
ठीक है। सो पेन को रिलीफ करने के लिए, ताकि हमें पेन फील ना हो, तो सैलिसिलिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि देखिएगा, सैलिसिलिक एसिड एक्ट्स एज अ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट विद एनल्जेसिक एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन सिमिलर टू दोज ऑफ द एस्पिरिन। जो हम एक मेडिसिन लेते हैं एस्पिरिन, उसके जैसा इफेक्ट इसका देखने को मिलता है। सो बेसिकली ये करते क्या है, एस्पिरिन बाइंड करता है और एसिटाइलेट कर देता है सेरीन को, जो कि एक्टिव साइट होती है साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम की, जिससे कि इसका इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है और वहाँ प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन नहीं होती है। दिस इन टर्न मीडिएट द एस्पिरिन इफेक्ट ऑफ रिड्यूस द इन्फ्लामेशन एंड पेन इन अफेक्टेड टिश्यूज। ठीक है जी। सो आंसर अपना हो जाएगा यहाँ सेकेंड, द सैलिसिलिक एसिड। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आईडी है 42। Which one of the following statements is incorrect? आपसे पूछा है इनमें से कौन सी बात गलत है। सो देखिए, फर्स्ट में लिखा है AVR proteins predominantly have sec A secretion signal। अब AVR क्या होता है, जैसे देखिएगा ये क्वेश्चन आया है प्लांट पैथोजन से। अब मानिए ये कोई भी एक प्लांट है हमारे पास, और यहां कोई भी एक बैक्टीरिया है जो कि इस प्लांट को इन्फेक्ट करना चाहता है। तो ये बैक्टीरिया कुछ मॉलिक्यूल्स को बनाता है जिनको हम बोलते हैं AVR, मतलब AVR जीन इनको बनाता है, तो ये AVR बोल देते हैं इनको, यानी कि AVR इज द इफेक्टर मॉलिक्यूल्स। बैक्टीरिया ने बनाए हैं, और बैक्टीरिया ने इसलिए बनाए हैं ताकि ये अंदर जाके इस प्लांट को अफेक्ट कर सके। ठीक है। अब जैसे ही ये अंदर जाते हैं तो प्लांट को एक इंडिकेशन मिलता है कि हाँ मेरे ऊपर अटैक हुआ है। इसके रिस्पांस में ये प्लांट भी पीआर प्रोटीन को बनाता है, पीआर प्रोटीन को बनाता है ताकि इससे डील किया जा सके। तो बैक्टीरिया ने ये जो एवीआर प्रोटीन बनाया है, इफेक्टर मॉलिक्यूल्स जो बनाए हैं, उनको अंदर सिक्रीट करने के लिए कई सारे पाथवे इस्तेमाल किए जाते हैं, कई सारे पाथवे इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन अगर वो AVR इफेक्टर मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पर टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये सिस्टम क्या होता है, अभी मैं आपको बताऊंगी आगे। देखो यहाँ, तो ये है प्लांट का सेल जिसको इन्फेक्ट करना है, तो ये होस्ट सेल की मेम्ब्रेन है। ठीक है। ये है अपना बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करता है, एक निडल लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। जैसे अगेन ये प्लांट है और ये है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक निडल फॉर्म करता है इस तरीके से, और उस निडल से होते हुए वो इफेक्टर प्रोटीन मूव करता है। जैसे कि ये पूरा बैक्टीरिया का पार्ट है, ये बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। बैक्टीरिया ने अपने अंदर ये इफेक्टर मॉलिक्यूल या प्रोटीन बना दिया है, तो अब ये क्या करेगा, एक निडल लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, जो कि एक निडल है और ये टिप वाला पार्ट है जो कि होस्ट सेल के पास एसोसिएट होता है। तो फिर यहाँ से मूव करता हुआ ये इफेक्टर मॉलिक्यूल प्लांट के अंदर मूव कर जाता है। तो इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम। सो ये जो AVR होते हैं, जिनको हम ए वायरुलेंस प्रोटीन बोलते हैं, आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट पैथोजन विच सबवर्ट होस्ट सेल बायोलॉजी अपॉन इन्फेक्शन, जो कि होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है जैसे ही वो उसके अंदर चला जाता है। AVRs आर स्मॉल proteins विच आर recognized बाय द होस्ट सेल resistance प्रोटीन। जो PR प्रोटीन होस्ट के पास होते हैं वो उनको recognize भी कर लेते हैं। सो AVRs आर इफेक्टर्स इन्वॉल्व इन pathogenicity, दे आर triggering द प्लांट इम्यून सिस्टम। द टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम इज वन ऑफ द बैक्टीरियल सिक्रीशन सिस्टम यूज्ड बाय द बैक्टीरिया टू सिक्रीट देयर इफेक्टर प्रोटीन्स इनटू द होस्ट सेल टू प्रमोट द वायरुलेंस एंड कोलोनाइजेशन। तो बैक्टीरिया क्या करता है, AVR प्रोटीन को बनाता है और टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम की हेल्प से उसको होस्ट सेल में इंजेक्ट कर देता है, ताकि वहां जाकर के वो वायरुलेंस कर सके और अपने आप को वहां इकट्ठा कर सके, जा सके प्लांट सेल के अंदर। ठीक है। यानी कि ये जो है टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम ही नहीं होता है, दिस इज वन ऑफ द सिस्टम। ऐसा नहीं कि हमेशा बैक्टीरिया इसी को इस्तेमाल करेगा, और भी कई सारे मेथड हो सकते हैं, मतलब चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। लेकिन अगर AVR प्रोटीन है, यानी कि इफेक्टर मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनको सिक्रीट करने के लिए टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम ही इस्तेमाल
किया जाता है। ठीक है जी, चलिए तो एक बार फिर से देखते हैं अपने क्वेश्चन को। पहली बात लिखी है, हमसे पूछा है गलत। सो AVR प्रोटीन्स प्रीडोमिनेंटली हैव द सेक ए सिक्रीशन सिग्नल, ये बात गलत है। हमने कहा था ना वन ऑफ द मेथड है, दूसरा मेथड क्या हो सकता है, सेक ए सिक्रीशन सिग्नल हो सकता है। तो बेसिकली AVR को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये सिस्टम इस्तेमाल नहीं किया जाता है, अपना फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। अच्छा, इसमें होता क्या है अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। AVR proteins are secreted through the type 3 secretion system जिसको हम T3SS बोलते हैं, यानी type 3 secretion system, तो ये बात सही है। Hypersensitive response and pathogenicity, cluster proteins are involved in the secretion of AVR protein, exactly, जैसे ही AVR protein host cell के अंदर enter करते हैं तो होस्ट सेल भी तो कोई एक्शन लेगा ना, वो ऐसा नहीं ना कि इसको अदर एंट्री दे देगा, आराम से अपने आप को अटैक होने देगा, ये भी कुछ रिस्पांस दिखाता है, तो उसी रिस्पांस में से आता है हाइपर सेंसिटिव रिस्पांस और पैथोजेनिसिटी, क्लस्टर्स प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं होस्ट सेल के अंदर ताकि वो इससे डील कर सके, तो ये बात भी सही है। सम ऑफ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द T3 सिक्रीशन सिस्टम पाथवे आर कंजर्व बिटवीन एनिमल एंड प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया। मानो ये एक बैक्टीरिया है, लेकिन ये बैक्टीरिया केवल प्लांट सेल को अफेक्ट करता है, और ये भी एक बैक्टीरिया है जो कि एनिमल सेल को अफेक्ट करता है। अब दोनों क्या करेंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स को यहां ट्रांसपोर्ट करेगा, ये भी कुछ ट्रांसपोर्ट करेगा, कैसे कर रहा है, टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम से, टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम से। तो इनमें कुछ पार्ट सेम होते हैं, कुछ पार्ट अलग हो जाते हैं। तो यहां पर ये लिखा है कि सम ऑफ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम पाथवे आर कंजर्व्ड बिटवीन एनिमल एंड प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया, तो ये बात भी सही है। तो यहां पर ये तीनों बातें सही हैं, फर्स्ट वाली गलत है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये सेक ए सिक्रीशन सिस्टम क्या होता है, आप यहां देख सकते हैं, मानिएगा ये कोई बाहर ये प्रोटीन फॉर्म हुआ है जिसको अंदर ट्रांसफर करना है, तो ये प्रोटीन पूरा फॉर्म कर दिया गया है जिसको अंदर ट्रांसफर करना है। मानो ये जो प्रोटीन है ये बैक्टीरिया ने कंप्लीट फॉर्म कर दिया है, तो फॉर्म होने के बाद यहां एक सेक बी फैक्टर आता है जो कि इस प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करता है और अपने आप से जोड़ लेता है। इसके बाद ये सेक बी जो प्लांट, ये होस्ट सेल यानी कि जो प्लांट सेल है उसकी मेम्ब्रेन में ये एक सेक YEG रिसेप्टर प्रेजेंट है जिससे एसोसिएट है सेक ए। तो अब ये सेक बी जो कि इस प्रोटीन को लेके आया है ये बाइंड होता है सेक ए से, जैसे ही सेक ए से बाइंड होता है फिर यहाँ पर ATP को इन्वॉल्व करके उसको ADP में कन्वर्ट किया जाता है और फिर यहाँ इस प्रोटीन को अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो अगेन यहाँ भी प्रोटीन बाहर से अंदर आया है, लेकिन दिस इज नॉट फॉर AVR प्रोटीन, यहां कोई और बाकी प्रोटीन हो सकते हैं जिनको ट्रांसफर किया जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड सेक ए पाथवे। ठीक है, चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जिसका आईडी है 43। ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इन प्लांट्स एलेनिन एंड रिलेटेड अमीनो एसिड्स आर डायरेक्टली प्रोड्यूस फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रीकर्सर्स। आपसे पूछा है कि प्लांट में जब ग्लाइकोलिसिस होता है तो एलेनिन और उसके जैसे ही कुछ अमीनो एसिड डायरेक्टली किससे फॉर्म होते हैं, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन हम कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, आपको पता भी होगा कि जब ग्लाइकोलिसिस होता है तो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, इसके बाद फिर ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है, फिर फॉस्फोनोल पाइरूवेट में, फिर पाइरूवेट में। पाइरूवेट इज द फाइनल एंड प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, और इस पाइरूवेट से ही फॉर्म होता है एलेनिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये सारा याद कर रखा होगा कि किस प्रीकर्सर से कौन सा अमीनो एसिड बनता है। ठीक है, सो क्वेश्चन में पूछा है अबाउट द एलेनिन, तो ये बनता है पाइरूवेट से, सो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ थर्ड। इन केस अगर आपने नहीं याद किया है तो ये एक बहुत ही बेहतरीन डायग्राम है जिसकी हेल्प से आप सारी चीज़ें याद कर सकते हैं कि कौन कौन सा अमीनो एसिड किस किस प्रीकर्सर से बनता है। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी है 44। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पेपकेज इज इनकरेक्ट, पेपकेज के बारे में कौन सी बात गलत है ये हमें बताना है। ठीक है, सो पेपकेज क्या होता है पहले हम इस चीज के बारे में जानेंगे। सो पेप कार्बोक्सिलेज भी बोलते हैं, इसको पेपकेज भी बोलते हैं, और इसके फुल फॉर्म क्या है, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज। ये एक एंजाइम है जो कि इन्वॉल्व होता है इन C4 एंड CAM पाथवेज ऑफ फोटोसिंथेसिस।
जो फोटोसिंथेसिस होती है वो देखा गया है अलग अलग प्लांट में अलग तरीके से होती है। इसी के बिहाव पर प्लांट्स को C4 नाम दे दिया गया है, C3 प्लांट दे दिया गया है और कैम प्लांट दे दिया गया है। ठीक है, तो C3 प्लांट में रन होती है C3 साइकिल, C4 प्लांट में C4 भी रन होती है और C3 भी रन होती है, अगेन कैम प्लांट में कैम साइकिल प्लस C3 साइकिल दोनों रन होती हैं। तो पेप्टाइड इन्वॉल्व होता है ओनली C4 एंड कैम प्लांट्स के अंदर। ठीक है, करता क्या है देखिएगा, इट कैटलाइज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कार्बन फिक्सेशन एंड इन C4 एंड कैम प्लांट्स। बेसिकली ये करता क्या है कि जैसे ही एनवायरमेंट से CO2 आता है, C4 और कैम प्लांट के अंदर, तो CO2 जैसे ही यहां आएगा तो CO2 को ऐड किया जाता है पेप के साथ में, यानी फोस्फो इनोल पायरोवेट के साथ में उसको ऐड किया जाता है। तो ये जो पेप है ये 3 कार्बन का होता है और 1 कार्बन ये है, दोनों मिलकर के बना देते हैं C4 ऑर्गेनिक एसिड, जिसमें आ जाता है मैलिक एसिड आ जाता है, या फिर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड आता है जो फर्दर मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। सो ये एक इनिशिएटिव रिएक्शन है फॉर द फोटोसिंथेसिस इन C4 एंड कैम प्लांट। तो पेप प्लस CO2 को अटैच करने का काम करता है पेपकेज ये काम करता है। और इसी रिगार्ड में हमसे क्वेश्चन पूछा है कि पेपकेज के बारे में कौन सी बात गलत है, गलत पूछा है हमसे। ठीक है जी, ओके। सो फर्स्ट में लिखा है ड्यूरिंग द डे C4 पेपकेज इज इनएक्टिव वेयर एज कैम पेपकेज एक्टिव। तो इसके बारे में भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये जो कैम प्लांट होते हैं, कैम प्लांट थोड़े से अलग होते हैं C4 प्लांट से। कैम प्लांट के जो स्टोमेटाज हैं ओपन होते हैं एट नाइट, नाइट में ओपन होते हैं एंड डे टाइम पर क्लोज हो जाते हैं। C4 में इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि C4 में जो स्टोमेटा क्लोज होते हैं एट नाइट, नाइट में क्लोज होते हैं और डे टाइम में ये ओपन होते हैं। सो जब स्टोमेटा ओपन होंगे तभी CO2 अंदर आएगा और तभी पेपकेज का काम होगा। मानो अगर स्टोमेटा क्लोज है तो CO2 अंदर नहीं आएगा, CO2 अगर अंदर नहीं आया है तो पेपकेज का काम भी नहीं है, तो उस टाइम पर पेपकेज को इनएक्टिव कर दिया जाएगा। तो देखिएगा कैम प्लांट के अंदर स्टोमेटा ओपन है नाइट में, यानी CO2 एंटर करेगा नाइट में, तो यहां पर जो पेपकेज है, पेपकेज ऑल्सो एक्टिव इन नाइट, एट नाइट। और अगर बात की जाए C4 की, तो C4 में स्टोमेटा ओपन है डे टाइम में, यानी CO2 अंदर आएगी डे टाइम में, तो पेपकेज एक्टिव होगा एट डे टाइम, पेपकेज एक्टिव एट डे इन C4 एंड पेपकेज एक्टिव एट नाइट इन कैम प्लांट। अगेन डे टाइम में ये इनएक्टिव होगा और यहाँ नाइट टाइम में ये इनएक्टिव होगा। आई थिंक आप ये बात समझ गए हैं। सो देखिएगा पहली बात लिखी है कि ड्यूरिंग द डे C4 पेपकेज इनएक्टिव, गलत हो गया है, डे टाइम में तो C4 का पेपकेज एक्टिव होना चाहिए जबकि कैम का पेपकेज इनएक्टिव होना चाहिए, लेकिन यहां बातें उल्टी कर रखी हैं तो ये गलत हो जाएगा, हमसे गलत ही पूछा है, अपना आंसर फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड में लिखा है पेपकेज इज इनएक्टिवेटेड बाय द डी फोस्फोराइलेशन, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा, जो पेपकेज होता है पेपकेज पर फोस्फेट ऐड है या पेपकेज पर फोस्फेट नहीं ऐड है, ये इसी से डिसाइड होता है कि पेपकेज इनएक्टिव होगा या एक्टिव होगा। अगर पेपकेज पर फोस्फेट लगा है सो दिस इज द एक्टिव फॉर्म, और अगर पेपकेज पर फोस्फेट नहीं लगा है सो दिस इज द इनएक्टिव फॉर्म, ये इनएक्टिव फॉर्म हो जाएगी, यानी कि डी फोस्फोराइलेशन फॉर्म इनएक्टिव होती है और फोस्फोराइलेटेड फॉर्म एक्टिव होती है। और अगर मुझे फोस्फेट हटाना है
तो क्या आता है फोस्फेटेज, तो यहां आ जाएगा पेप्टेज फोस्फेटेज। और अगर फोस्फेट ऐड करना है तो आता है पेप्टेज काइनेज। ठीक है, सो बात क्या लिखी है कि पेप्टेज इनएक्टिव हो जाता है जब वो डीफोस्फोराइलेटेड हो जाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है, पेप्टेज काइनेज फोस्फोराइलेट पेप्टेज, बिल्कुल सही। जो पेप्टेज काइनेज होता है वो पेप्टेज को फोस्फोराइलेट कर देता है, बात सही है। द सिंथेसिस ऑफ पेप्टेज काइनेज इज मॉड्यूलेटेड बाय सर्काडियम रिदम इन द कैम लीव्स। एग्जैक्टली, सर्काडियम रिदम क्या होती है, जो कि मेंटेन करती हैं चीजें कब ओपन होनी है, मतलब ये एक तरीके की साइकिल होती है जिसके बिहार पर प्लांट के बाकी फंक्शन डिसाइड होते हैं। तो कैम प्लांट के अंदर एज वी नो कि यहाँ चीजें थोड़ी सी अपोजिट होती हैं कि डे टाइम में स्टोमेटा को क्लोज करना है और नाइट में स्टोमेटा को ओपन करना है, तो वहां की जो सर्काडियम रिदम है उसी के बिहार पर पेप्टेज काइनेज को एक्टिव और इनएक्टिव किया जाता है और फिर ये काइनेज जाकर के पेप्टेज को एक्टिव करता है। तो वो डिपेंड करता है कैम लीव्स के सर्काडियम रिदम पर, तो ये बात भी सही है। गलत क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आ गए हैं पार्ट सी के लिए, तो